हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चला सारथी। तो यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज मैं बना रहा हूं जो हमेशा हम लोग खाते हैं पहाड़ों पे, घर पे जब भी स्पेयर टाइम, बच्चों का सबसे फेवरेट होता है मैगी। तो आइए मैं अपने तरीके से मैगी बनाना सिखाता हूं। तो सबसे उसके लिए मैंने लिया एक प्याज मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। जब प्याज बारीक चॉप हो जाए तो पैन में हम लोग 2 चम्मच मैंने बटर लिया, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। फिर मैंने 1 मिर्ची लिया जिसे बिल्कुल बीच से काट लिया, 2 लहसुन की कलियां लिया और ये जो प्याज हम लोग बिल्कुल चॉप किया था प्याज डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा प्याज लहसुन और मिर्च अच्छे से भून जाए तो इसमें हम लोग डालेंगे आधा चॉप किया हुआ गाजर, थोड़ा सा शिमला मिर्च, मैंने लाल शिमला मिर्च लिया, आप चाहें तो ग्रीन भी ले सकते हैं, मटर आप चाहें तो फ्रोज़न भी ले सकते हैं। और इन चीज़ों को एक बार भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तो हम डालेंगे 1 टमाटर, इसे भी अच्छे से भूनेंगे। और तो ये देखिए मैंने 1 12 रुपया वाला मैगी लिया है, आप चाहें तो 2 मैगी से बना सकते हैं। और अब मसाला हमारा तैयार हो गया, तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच गोल मिर्च और जीरा का पाउडर और साथ में नमक स्वाद अनुसार। इन चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। फिर 250 ml पानी डालेंगे। तो अब पानी डाल चुके हैं तो अब इसे ढक देते हैं। तब तक मैगी को पैकेट से खोल लिया और पानी ये तैयार हो चुका, तो इसमें हम लोग मैगी का केक को डालेंगे। तो अब ये इसे मैंने ढक दिया 1 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैगी करीब करीब थोड़ा पक चुका है, करीब 70% पक चुका है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे मैगी का जो मसाला है, उस मसाले को अब डालेंगे हम लोग। तो अब हमने मसाला डाल दिया और फिर मैगी को जो फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम से थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, मीडियम पर रखेंगे। तो अब हमारा मैगी बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसमें मैंने 1 चम्मच बटर डाला, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल नहीं डालेंगे। तो अब हमारा मैगी बिल्कुल तैयार हो गया, आइए इसको गार्निश करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाला है, तो ये तैयार है प्लेटिंग के लिए। तो अब मैंने एक योक लिया है ज़्यादा खूबसूरत लगने के लिए। यदि आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें।